हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इस थर्मल रोल टू रोल स्टील लैमिनेशन मशीन के अंदर आपको विस्टिंग कार्ड निकालने हैं, चाहे वेलवेट फिनिश हो, 3D फिनिश हो या ग्लॉज हो या मैट। और उससे पहले हमने आपको बताया था कि इस पूरी मशीन को असेंबल कैसे करना है और इसका ये कंट्रोल पैनल किस तरह से यूज करना है अलॉन्ग विद द साइड नॉब। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस तरह के गोल्ड फॉइल रोल का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह का गोल्ड फॉइल लीफ प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई थीसिस बाइंडिंग का वर्क हो या फिर कोई व्हाइट कलर का डिजाइन पेपर हो, चाहे वो वेडिंग कार्ड हो या फिर इस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट पेपर हो जिसके अंदर आप अलग अलग कलर्स के गोल्ड फॉइल कर सकते हैं, जैसे कि पिंक, ग्रीन, रेड या फिर ऐसे कई सारे कलर्स हमारे पास हैं, जैसे कि सिल्वर, ब्लू, रेनबो सिल्वर, पिंक, मैट गोल्ड, लाइट गोल्ड, डार्क गोल्ड एंड कॉपर। इसके ऊपर आप किसी भी तरह का 300 GSM का बोर्ड पेपर भी डाल सकते हैं इस मशीन के अंदर, या फिर 100 से या 175 माइक्रोन का हमारा जो ट्रांसपेरेंट शीट होता है स्पेशल ग्रेड का, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ब्लैक मांबा पेपर होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 100 GSM प्लस किसी भी तरह का आपके पास पेपर हो तो उसे भी आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। इस मशीन को गोल्ड फॉइल करने के लिए सबसे पहले हमने टेम्परेचर को 150 डिग्रीज टेम्परेचर तक सेट 115 टेम्परेचर तक सेट कर देना है और फिर इसे हॉट मोड के अंदर आपको डाल देना है। और रोल को कुछ इस तरफ से हमने सेट किया है, जिस तरह से हमने लैमिनेशन मशीन के रोलर को सेट किया था जिसके अंदर पेपर पीछे की तरफ से गिरता है, उसी तरह हमने इस बार इसी रोलर को वैसे ही सेट किया है। तो रोल को आपको इस तरह से फिट करना है और जो पेपर है वो पीछे की तरफ से गिरेगा। और अब मैं आपको इसके अंदर फॉइल करके बताता हूं। फॉइल करने के लिए सबसे पहले हमने हमारा शटर ओपन किया, नीचे से फॉइल लाए और हैंडल, यहाँ एक रॉड है, रॉड के नीचे से हमने इसे लाया और उसे ऊपर हमारे स्टील रोलर के ऊपर रखा है। और फिर यहाँ पे एक 300 GSM बोर्ड पेपर लिया है ताकि हम पेपर को आगे की तरफ पुश कर सकें। पेपर को इस तरह से हमने आगे की तरफ पुश कर दिया जिससे फॉइल आगे की तरफ आ गया और पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ऊपर की तरफ एक रोलर लगा है जो फॉइल को अनवाइंड कर रहा है और नीचे की तरफ से यहाँ से बस पेपर निकलेगा, इसकी कोई रीवाइंडिंग नहीं होगी। और यहाँ पे हमने हमारे लॉक को, जो नॉब है, प्रेशर नॉब है, उसे लास्ट सेकंड लेवल पे कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे ये फॉरवर्ड बटन दबाया है जिससे हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। क्योंकि ये फॉइल बहुत ही पतला है, जैसे 10 माइक्रोन 12 माइक्रोन की इसकी थिकनेस है, तो उसे धीरे धीरे हमें यहाँ प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है ताकि इसके अंदर जो ये क्रीजेस है, सल है, वो कम होते जाए धीरे धीरे। और एक पॉइंट आएगा जब इसके अंदर सल बहुत कम हो जाएंगे तब हम इसके अंदर पेपर फीड करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसे बस सेटिंग कर रहे हैं काम करने की। तो यहाँ पे आपको प्रेशर थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, यहाँ हाथ से इसे थोड़ा टाइट पकड़ना है, 10-15 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम इसमें समझ में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट आ गया। और अब हम एक एक करके हमारे पेपर आपको डाल के बताते हैं कि कैसे आपको आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्लैक शीट डाल रहे हैं जिसे हम लोग मांबा पेपर बोलते हैं। इसके ऊपर हमने लेजर प्रिंटर से प्रिंट किया है। ध्यान रखिए कि ये ओनली लेजर प्रिंटर के प्रिंटआउट पे ही काम करेगा, कोई भी दूसरा इंकजेट या ऑफसेट के ऊपर काम नहीं करेगा। तो ब्लैक के ऊपर हमने ब्लैक प्रिंट ही मारा है। एंड चाहे आप प्रिंटआउट लेजर का, डिजिटल का, कौन से पर भी मारिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि वो लेजर प्रिंटर यानी डिजिटल प्रिंटर से होना चाहिए। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि डिजिटल प्रिंटर क्या होता है। डिजिटल प्रिंटर का मतलब होता है जैसे कोनिका, मिनोल्टा, वर्क सेंटर, कैनन के ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर्स होते हैं, बस उनसे जो प्रिंटआउट निकलता है उसे डिजिटल प्रिंटआउट कहते हैं या फिर लेजर प्रिंटआउट कहते हैं। और इस तरह से ये आउटपुट आएगा, चाहे आप कलर की प्रिंटिंग करें लेजर से या ब्लैक एंड व्हाइट की करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंटिंग की जो फॉइलिंग है, जो फॉइल है, वो पूरे के ऊपर ही जम जाएगी। और इस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है, जो कॉलेज का एम्बलम है देख लीजिए, इस तरह से आपको दिख रहा है। आपको थोड़ा सा 2-3 बार इसे करेंगे तब इसका पूरा प्रेशर और सेटिंग इस तरह से आ जाएगा और जितना भी फॉइल होता है वो यहाँ से ट्रांसफर होके इसके ऊपर आ गया है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज में आपको सेटिंग करने में टाइम लगता है और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको 2-3 बार फीडिंग करना पड़ता है, तभी जाके इसकी इनिशियल क्वालिटी सेटअप हो जाती है। मैं एक और पेपर आपको डाल के बताता हूँ।
एक बार रोलर सेट हो गया उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली आप उसको फॉइलिंग का आउटपुट दे सकते हो। अब एक और बार हमने यहाँ पे आउटपुट दिया है, पीछे की तरफ से आपको पेपर इस तरह से पकड़ के रखना है ताकि जो फॉइलिंग का आउटपुट आए वो अच्छी तरह से आपको दिखे और अच्छी तरह से उसका आउटपुट आए आपको। यहाँ पे ये पूरा गोल्ड फॉइल होता जा रहा है रोल टू रोल। तो अगर आपका कोई बल्क वर्क है वेडिंग कार्ड का जिसके अंदर आपने 400 जीएसएम 800 जीएसएम का पेपर यूज किया है और उसके ऊपर आपने लेजर प्रिंट आउट किया है तो उससे भी आप इस तरह का आउटपुट निकाल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह का लिमिट नहीं है कि एक ही डिजाइन के 1000 निकालने हैं। आप बस डिजिटल प्रिंटर से जैसे जैसे प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वैसे वैसे इसमें डालते जाइए। कोई मिनिमम क्वांटिटी आपको कस्टमर को बोलने की जरूरत नहीं है, आप 1 क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इसमें कॉस्टिंग और रेट आपके ऊपर है, कस्टमर को आप कैसे क्या कोट करते हैं। तो यह है गोल्ड फॉइल जिसको अगेन हमने 300 जीएसएम के पेपर के ऊपर किया है। अब ये हमारा एक और प्रिंट आउट है जिसके अंदर हमने पतली पतली लाइनें डाली हैं और कुछ क्लिप आर्ट्स डाले हैं। तो अगर कोई डिजिटल प्रिंट आउट के अंदर आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की है तो उसका आउटपुट कैसे आता है वो बताता हूं। आप चाहें तो इसमें बड़ा 1319 का पेपर भी डाल सकते हैं, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे बल्क ऑर्डर करने पे हम लोग आपको इसे 13 इंच का रोल या 12 इंच का रोल भी दे देंगे। और जब भी पेपर आप डालें तो ऊपर की तरफ आपका ये होना चाहिए फीड, ताकि इसका जो सेपरेशन है पेपर और फॉइल का वो बराबर हो, यूनिफॉर्म हो। इस तरह से फॉइल होके मशीन से निकलता है और इस तरह से फॉइल आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये है फॉइल का आउटपुट। ये आउटपुट आपके सामने है, ऑलमोस्ट लगभग पूरा गोल्ड हो गया है। थोड़े बहुत ब्लैक के पैचेस दिखते हैं बट खैर वो पेपर के ऊपर, फीडिंग के ऊपर और काम के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस तरह का 99% आउटपुट आप मान सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग आपको एक बेसिक एक और आइडिया दे देते हैं कि क्या होगा कि अगर आप इसके अंदर एक कलर पेपर डाल दें तो किस तरह का आउटपुट आएगा, मैं उसका भी एक आपको सैंपल बताता हूं। ये अगेन एक 300 जीएसएम का बोर्ड पेपर है जिसे हमने एक डिजिटल प्रिंटर में प्रिंट किया, जैसे कि वर्क सेंटर जेरोक्स मशीन, जेरोक्स कंपनी का, और उसे हम इस मशीन के अंदर इस वक्त फीड कर रहे हैं। ये आपको दिखाने के लिए है कि चाहे आप कलर प्रिंट आउट करें या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस ये रहेगा कि बस ये डिजिटल प्रिंटर से प्रिंट आउट होना चाहिए, तभी इसके ऊपर फॉइलिंग चढ़ेगी। चाहे वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, फॉइल सभी के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाएगा। तो आपका सस्ता तभी पड़ेगा जब आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट डालेंगे। अगर आप कलर प्रिंट आउट डालेंगे तो उसमें आपको आपकी ही कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि दोनों के अंदर रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो जहां जहां फॉइल होगी वहां वहां वो फॉइल यहाँ पे नेगेटिव हो गई और इस तरह से आपका आउटपुट आ गया। तो ये रहा आपका लोगो भी, अगर कोई कस्टमर का आपको फॉइलिंग करके देना है तो वो भी आप इस तरह से करके दे सकते हैं। और ये 100 जीएसएम टू 300 या 400 जीएसएम का आउटपुट को भी आसानी से हैंडल कर लेगा। आप इसके ऊपर 300 जीएसएम 100 जीएसएम मैप लिथो पेपर या बोर्ड पेपर या फिर आप जो मांबा शीट होती है ब्लैक कलर की उसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर गोल्ड फॉइलिंग भी कर सकते हैं। सिंपल सी मशीन है जिसके अंदर आप विजिटिंग कार्ड भी कर लेते हैं, सिंपल सी मशीन है जिसके थ्रू आप गोल्ड फॉइल कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड्स कर रहे हैं, ब्राउचर्स कर रहे हैं, पैम्पलेट्स कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं। और एक ही मशीन है जिसके अंदर स्टील रोलर हमने आपको लगा के दिया है विथ टेम्परेचर एंड स्पीड कंट्रोल। सिंपल सी मशीन है, रोल टू रोल स्टील लैमिनेशन मशीन एंड एफएम सीरीज की ये मशीन है जिसके अंदर इस तरह का शानदार आउटपुट भी आप निकाल सकते हैं। एंड
इस मशीन को ऑर्डर करने के लिए आप हमें वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स, मशीन और मटेरियल के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।